नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष गुरु पंडित भरत सिरमाली। स्वागत करता हूं आपका YouTube चैनल लाइव ओके पर। आज मैं आपको जो करवा चौथ है वो 27 तारीख को है, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अपनी सहेलियों के साथ, अपनी बहनों के साथ कभी भी शेयर नहीं करनी चाहिए। तो उसके बारे में मैं आपको पूर्ण जानकारी दूंगा। इससे पहले एक बार फिर मैं आपको कह देता हूं कि आपके घर में कोई भी शुभ कार्य हो उससे संबंधित आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। कुंडली में कोई दोष हो तो उससे संबंधित आप संपर्क कर सकते हैं। घर में वास्तु संबंधी कोई भी समस्या हो तो भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9602998489। ये मेरा मोबाइल नंबर है। कॉल करने का समय 12 से लेकर के शाम को 5 बजे तक है, दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक, इस बीच में ही आप मुझको कॉल करें। चलिए मैं आज आपको बता देता हूं कि ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं और जो अपने को शेयर नहीं करना है। करवा चौथ के पूजन का जो व्रत का जो समय है, वो शाम को 5:53 से 6:56 तक है, और जो चंद्र उदय होगा वो 7:53 पर होगा। तो उस समय ही चंद्रमा की पूजा करके अपने पतिदेव की पूजा करें, उसके बाद ही व्रत का है उद्यापन करें। आप अपनी सहेली के साथ उस दिन सुहाग की वस्तुएं कभी भी शेयर ना करें, जैसे बिंदी हुआ, कुमकुम हुआ, सिंदूर हुआ, कंगन हुआ, बिछिया हुई, पायल हुआ, मंगलसूत्र हुआ। सुहाग की कोई भी वस्तु आप उस दिन अपने रिश्तेदार से, कोई भी रिश्तेदार हो, आपकी सहेली हो, आपकी बहन हो, कोई भी हो, सुहाग की वस्तुएं उस दिन शेयर ना करें। यदि आप भूल से आप ये शेयर करते हैं तो आपके और आपके पतिदेव के बीच में प्रेम की कमी आ सकती है। इसलिए करवा चौथ के दिन विशेष रूप से ये ध्यान रखें। आम दिन भी ये ध्यान रखना चाहिए, लेकिन करवा चौथ के व्रत के दिन तो आपको ये पूर्ण रूप से ध्यान देना है कि कोई भी सुहाग की वस्तु है आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी है। यदि आप शेयर करते हैं तो आपको भुगतान करना पड़ सकता है। और उसके साथ ही मैं आपको ये कह सकता हूं, फिर मैंने एक बार पतिदेव को भी कहा है कि करवा चौथ के दिन अपनी वाइफ को गिफ्ट जरूर ला करके दे, और ये हमारे ब्राह्मणों का कहना है, जरूर से जरूर ला करके दे, ताकि आपके ऊपर है माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव और सदैव बनी रहेगी और पूरे साल बनी रहेगी। इसी के साथ ही बोले मिसेज भी अपने हस्बैंड को गिफ्ट दे सकती है, हस्बैंड अपने मिसेज को गिफ्ट दे सकता है। कहने का मतलब उस दिन कछुआ भी आप गिफ्ट में दे सकते हो, जो कछुए की जो अंगूठी होती है वो भी आप गिफ्ट में दे सकते हो, ताकि पूरे साल आपके घर पर और आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव और सदैव बनी रहे। जो मैंने ये वीडियो बनाए उसको ध्यान पूर्वक से सुने और पूरा सुने और उसका पालन करें, तभी ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। जय।